अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद से ही अखाड़े चर्चा में हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि अखाड़े काम कैसे करते हैं, इनकी परंपरा और इतिहास क्या है, इनमें एंट्री कैसी होती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो इन अखाड़ों को अखाड़ा नाम कैसे मिला। धर्म के कुछ जानकारों के मुताबिक साधुओं के अखंड स्वभाव के चलते इसे अखाड़ा का नाम दिया गया है। अखाड़े में कैसे होती है साधुओं की एंट्री। अखाड़ों में साधुओं की एंट्री आसान नहीं होती है। शैव परंपरा में नागा साधु बनने के लिए अखाड़ा को काफी समय देना होता है। इसके लिए अखाड़ों की अपनी अलग व्यवस्था है। अखाड़े में आते ही किसी को भी दीक्षा नहीं दी जाती। अगर कोई साधु बनना चाहता है तो उसे कुछ समय अखाड़े में रहकर अपनी सेवाएं देनी होती है। क्या अखाड़ों में चुनाव होते हैं? अखाड़े के साधु संतों के मुताबिक अखाड़े लोकतंत्र से ही चलते हैं। जूना अखाड़े में 6 साल में चुनाव होते हैं, कमिटीज बदल दी जाती हैं, हर बार नए को चुनते हैं, ये इसलिए ताकि सभी को नेतृत्व का मौका मिले। अखाड़े कैसे काम करते हैं? कुंभ में शामिल होने वाले सभी अखाड़े अपने अलग नियम और कानून से संचालित होते हैं। यहाँ जुर्म करने वाले साधुओं को अखाड़ा परिषद सजा देता है। छोटी चूक के दोषी साधु को अखाड़े के कोतवाल के साथ गंगा में 5 से लेकर 108 डुबकियां लगाने के लिए भेजा जाता है। डुबकियों के बाद वो भीगे कपड़े में ही देवस्थान पर आकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है। फिर पुजारी पूजा स्थल पर रखा प्रसाद उसे देकर दोष मुक्त करते हैं। अखाड़े कब और कैसे बने? माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में 13 अखाड़े बनाए थे। इन अखाड़ों का गठन हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया था।